CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम भली गाय का घर। मधुपंत द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। नमस्ते। नई कहानी नई पुरानी, नई कहानी नई पुरानी, जैसे नानी कहे कहानी। नई कहानी नई पुरानी, जैसे नानी कहे कहानी। एक था राजा एक थी रानी, मैंने कह दी तुमने जानी। एक था राजा एक थी रानी, मैंने कह दी तुमने जानी। इसे सुनाना सभी जुबानी, इसे सुनाना सभी जुबानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। सुन लो रामो मुनिया रानी, रामो मुनिया रानी, रामो मुनिया रानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। नई कहानी नई पुरानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। नई कहानी नई पुरानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। अरे एक बार की बात बताऊं, कुछ जानवरों ने मिलकर बनाया एक घर। तुम भी सुनोगे भला कैसे? जंगल में एक बड़ी भली गाय रहती थी। ये गाय हमेशा दूसरों की मदद करती थी। कुत्ता और बिल्ली तो हर समय गाय के आगे पीछे रहती। गधा घोड़ा ऊंट जो भी जानवर गाय के पास जाते उसको वो अपना घास और दाना दे देती। बहुत भली गाय थी। गाय जंगल में एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर सोचा कि इस भली गाय के लिए कुछ करना चाहिए। कुत्ता उछल कर बोला, बो 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 बो, तुम सब होकर बैठे क्यों? भली नेक हम सब की गाय, उसका घर बनवाया जाए। सब जानवरों को ये बात बहुत पसंद आ गई, क्योंकि गाय रहती थी पेड़ के नीचे। बरसात में वो भीगती, जाड़ों में उसको ठंड लगती और गर्मी में लू लगती। पर घर बनेगा कैसे? कोई घर बनाना जानता ही नहीं था। कुत्ता बोला, अरे मैं जानता हूँ, मैं तो गांव में घूमता रहता हूँ, तब देखता हूँ मकान कैसे बनता है। पहले हम लोग जगह तय करें। सब ने मिलकर जब जगह तय कर ली तब कुत्ते ने कहा, मैं पंजों से चारों ओर खुदाई कर दूं, गहरी खुदाई, तब नींव डाली जाएगी। कुत्ता जमीन खोदने लगा। इतने में वहां बिल्ली आ गई और बोली, म्याऊ 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 म्याऊ, मैं भी मिलकर घर बनवाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ, मैं
कुत्ते को बड़ा गुस्सा आया। वो बोला, जब मैं बात बता रहा हूं और काम कर रहा हूं तो बीच में क्यों टपक पड़ी? बू बू बू, भाग जा भाग जा। बिल्ली को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं कभी तुम्हारा काम नहीं करूंगी। ये कहकर वो पास के पेड़ पर चढ़ गई। सब जानवर बोले, अरे भाई मत करो लड़ाई। फिर कुत्ते से बोले, कुत्ते भाई तुम ही सबको काम बांट दो। कुत्ता ऊंट से जाकर बोला, ऊंट भैया ऊंट भैया पत्थर ढोकर लाओ रे, पत्थर ढोकर लाओ रे, ऊंट भैया ऊंट भैया पत्थर ढोकर लाओ रे, पत्थर ढोकर लाओ रे। पत्थर से हम पर चिल्लाई ऊंट भाई ऊंट भाई, पत्थर से हम पर चिल्लाई ऊंट भाई ऊंट भाई। ये सुन ऊंट चल पड़ा डूंगरी की ओर पत्थर लाने। अब कुत्ता गधे के पास जाकर बोला, गधा चल पड़ा नदी की ओर चूना और मिट्टी लेने। अब कुत्ता पहुंचा हाथी के पास। तो कुत्ता हाथी के पास जाकर बोला, हाथी भैया हाथी भैया और बच्चों, हाथी चल पड़ा नदी की ओर पानी और बल्लियां लेने। अब जल्दी से सारे जानवर अपना अपना सामान लेकर वहां पहुंच गए, वहीं जहां जगह तय कर ली गई थी। कुत्ते ने फिर अपने पंजों से चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। इस तरह जमीन खोदकर नींव डाल दी गई। अब चिनाई करने के लिए ऊंट पत्थर ले आया था ना, हाँ, और हाथी सूंड में पानी भी ले आया था। चूना मिट्टी और पानी मिलाकर चिनाई करने के लिए गारा बना लिया गया। अब सब जानवरों ने मिलकर चिनाई शुरू कर दी। चिनाई होती गई, दीवारें बनती गईं। हाथी सूंड में पानी लाता और दीवारों पर छिड़कता। अब डालनी थी छत। हाथी बल्लियां भी ले आया था। उसने बल्ली उठाई और जैसे ही दीवार पर रखने गया, धड़ाम, बल्ली नीचे गिर गई। हाथी थक कर बैठ गया। बल्ली उठाकर ऊपर रखनी थी। बंदर गधा कुत्ता
कुत्ता सब दौड़कर आए। बंदर बोला खौ 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 खौ, जोर लगा के हई सा ढेंचू ढेंचू हई सा, बू 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 हई सा। कुत्ता बोला, पेड़ पर बैठी बिल्ली भी बोली म्याऊ म्याऊ, थोड़ा और हई सा। सब बोले हई सा। हाथी चिंघाड़ा बल्ली उठाई, तो इस तरह सब ने मिलकर बल्ली छत पर रखी। अब छत डाली गई, हाथी ने सूंड से ही छत पर डाल दी फूस। इस फूस को कौन फैलाएगा? अब कुत्ते को आई बिल्ली की याद। कुत्ता बिल्ली के पास आकर बोला, बिल्ली रानी बिल्ली रानी, फूस तुम्हें छत पर फैलानी। बिल्ली बोली, म्याऊ 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 म्याऊ, मैं ना जाऊं मैं ना जाऊं, सब जानवरों ने मिलकर समझाया, बिल्ली रानी ये तो भली गाय के घर के लिए काम करना है, ये कुत्ते का काम थोड़े ही है। ये सुन बिल्ली रानी झट से छत पर चढ़ गई और फूस को फैला आई। अब सब जानवरों ने बंदर से कहा, बंदर ने छलांग लगाई और पहुंच गया वहां जहां गाय का गोबर पड़ा था। वहां से बंदर गोबर ले आया और फिर उसने झट से जमीन की लिपाई कर डाली। घोड़ा अपनी पूंछ चूने के घोल में डुबाता और फिर निकालकर दीवारों की पोताई करता गया। देखते ही देखते गाय का घर तैयार हो गया। गाय इस घर को देखकर बड़ी खुश हो गई। फिर तो सब मिलकर गाना गाने लगे। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।